चैनल नमस्कार सलाम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। अपना अपना हाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम भी यहाँ खुश हैं और अच्छे हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड पेनक्रियास, थर्ड लिवर। सो लेट स्टार्ट विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखने के लिए मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लिप लगाई है। नेक्स्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कंटिन्यू करती है स्टमक के बाद से, जहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर एंड करता है वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू करती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है और जो हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर की होती है, बट हम लिटिल ओवर 5 मीटर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्डोमिनल कैविटी में है, लार्ज इंटेस्टाइन से सराउंडेड रहती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल डाइजेशन भी होता है, हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है बहुत सारे न्यूट्रिशंस का। ये सब हम आपको फंक्शन में बताएंगे। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड ईलियम। उसके बाद ईलियम के बाद एक हमारा इलोकैकल वाल्व आता है जिससे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वो वेल्व के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारा ईलियम वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्यूडेनम को कंटिन्यू करते हैं। ड्यूडेनम कंटिन्यू करने से पहले हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने टाइप हैं। आपको मैंने यहाँ पे तीनों टाइप अलग अलग कलर से एक तरीके से करके दिखाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ड्यूडेनम सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और वो लाइट ब्लू कलर में है। नेक्स्ट जेजुनम है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर और नेवी ब्लू आप ले लीजिए, और जो सबसे लास्ट ईलियम पार्ट है वो ग्रीन कलर से कम। ये नेक्स्ट क्लिप है, नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको ईलियम और केकम वाला पार्ट दिखाना चाह रही हूँ। जो केकम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ईलियम और केकम यहाँ पे जहाँ पे जॉइन होते हैं वहाँ पे वो कर्व बनाते हैं, उस कर्व का नाम होता है इलियोकेकल वेल्व, जो मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो ईलियम पार्ट है वो केकम पार्ट में अटैच होकर इलियोकेकल वेल्व बनाती है। नेक्स्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, वो कर्व करती है हेड ऑफ द पैनक्रियास से। ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास दोनों के ही सीक्रेशंस आके कंबाइन करते हैं, और जहाँ पे वो कंबाइन करते हैं वहाँ पे हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला बोला जाता है। हेपेटो क्योंकि वहाँ पे से बाइल आ रहा है गॉल ब्लैडर से, और बाइल कहाँ से बना हुआ है? लिवर से बना होता है, इसलिए हेपेटो। पैनक्रियास की जूसेस इंक्लूड हो रही हैं इसलिए पैनक्रियाटिक, और एम्पुला है क्योंकि वहाँ पे ड्यूडेनम में गॉल ब्लैडर ओपनिंग भी है और पैनक्रियास के लिए भी ओपनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूडेनल पैपिला इज ग्रेजुएटेड बाय अ रिंग और स्मूथ मसल्स हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंचर। वहाँ पे एक स्पिंचर है, हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंचर। नेक्स्ट जेजुनम। जेजुनम हमारा मिडल सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये 2 मीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट ईलियम। ईलियम हमारा टर्मिनल सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कैकम पार्ट स्टार्ट होता है, और जहाँ पे ईलियम और केकम जॉइन होते हैं वहीं पे इलियोकेकल वेल्व बनता है एज आई हैव शोन यू इन द फिगर, एंड इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो कि केकम का कोई भी फूड मटेरियल या फिर जो भी चीज़ हमारी आगे को गई है लार्ज इंटेस्टाइन में वो वापस होके वापस ब्लैक फ्लो ना करे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए, इसलिए यहाँ पे इलियोकेकल वेल्व क्या करता है, एक स्पिंचर की तरफ वर्क करता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिर्फ 2 ही जगह मॉडिफिकेशन है, पेरिटोनियम में सिरोसा कह सकते हैं आप एक तरीके से, और नेक्स्ट म्यूकोसा लेयर में। तो पेरिटोनियम में आप यहाँ पे हमारी डबल लेयर आ जाती है पेरिटोनियम की, ठीक है, जो अटैच करती है जेजुनम और ईलियम को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। आपको एक ऊपर से येलो कलर का एक शीट दिख रहा होगा जिसपे एक आर्टरी और एक वेन आ रही है रेड एंड ब्लू कलर की, ये एक पेरिटोनियम की डबल लेयर है जो ईलियम और जेजुनम को क्या कर रही है, अटैच कर रही है हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है, थोड़ी सी शॉर्ट होती है लेंथ में, ठीक है, इसलिए ये फैन शेप्ड की होती है। आप देख सकते हैं आपको इसमें छोटा सा पार्ट दिख रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ से अटैच है, तो फैन शेप में आता है। नेक्स्ट हमारे म्यूकोसा में क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है परमानेंट सर्कुलर फोल्ड, एक आता है विलाई, एक आता है माइक्रोविलाई। ठीक है, परमानेंट सर्कुलर फोल्ड हमारा जैसे स्टमक में रगे थे ना,
जो मैंने आपको बताया था कि हम अगर हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो हमारे स्टमक में रगे होते हैं, और अगर फुल हो जाते हैं तो आयरन आउट हो जाता है। लेकिन हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एम्प्टी हो चाहे वो फुल हो, उसमें रगे रहते हैं, तो उसे हम परमानेंट सर्कुलर फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये स्मूथ आउट कभी भी नहीं होते, और ये हमेशा क्या करते हैं, चाइम की मिक्सिंग को प्रमोट करते हैं और इजीली आगे को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं ड्यूडेनम से जिजेनम में, जिजेनम से ईलियम में, और ईलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट जो विलाई है, विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, ऑफ द म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर में एक फिंगर लाइक का क्या रहता है, प्रोजेक्शन टाइप का रहता है। ये 0.5 to 1 mm की होती है, और इनकी कवरिंग माइक्रोविलाई से बनी होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, काफ़ी छोटा है बट आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट इसमें आपको थोड़ा अच्छे से बड़े से दिख रहा है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद विलाई के एक सेल को यहाँ पे दिखाया है, जिसमें एपिथेलियल सेल, कैपिलरीज, लैक्टल वेन, आर्टरी, लिम्फेटिक डक्ट सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि माइक्रोविलाई उसके अंदर भी छोटी छोटी सी हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं उनको सीक्रेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो यही आपको मैंने बताया था, सेम कि हमारा 4 लेयर से टिश्यू से बना हुआ है, हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो पेरिटोनियम और म्यूकोसा में है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नोट शेयर करूँगी, आप उसे पॉज करके लिख सकते हैं, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊँगी यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेरिटोनियम के नोट्स आपको दिखा दिए हैं, यू कैन नोट इट योर कॉपी। नाउ म्यूकोसा, इसमें आपको 3 टाइप का डिफ्स मिलेगा, परमानेंट सर्कुलर फोल्ड, नेक्स्ट विलाई एंड माइक्रोविलाई। ओके, देन नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल जूसेस। अबाउट 1500 ml ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं हमारे डेली ग्लैंड से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड से। ये स्लाइटली बेसिक होते हैं, ठीक है, नेचर में। जैसे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस थे वो एसिडिक थे नेचर में, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट था, लेकिन ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, और इनमें वाटर, म्यूकस और मिनरल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करा देती है पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो सीक्रेशन होता है इंटेस्टाइनल जूसेस वो भी इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। हमारे इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट हमारा जो केमिकल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का विलाई करती है, इंट्रोसाइट्स विलाई। आप बोल सकते हैं कि जो इंट्रोसाइट सेल्स होते हैं उसी से विलाई भी फॉर्म होती है, और वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन तीनों का डाइजेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन देती है हमें माइक्रोब्स के अगेंस्ट, जो एंटी माइक्रोबियल कुछ एक्शन हमारे HCl वगैरह स्टमक से इसमें आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उन्हें किल करने में हेल्प करती है। हमारा एक हार्मोन है CCK, इसे हम बोल सकते हैं कॉलीसाइटोकिनिन, इसका सीक्रेशन करती है एंड एब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट्स का। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कौन से केमिकल डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब चाइम पास होके मिक्स करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूसेस से, तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है एंट्रियोसाइट्स सेल, मतलब विलाई से। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रोक करती है मोनोसेक्राइड्स में, प्रोटीन को ब्रोक करती है अमाइनो एसिड में, फैट को ब्रोक करती है फैटी एसिड में, और ग्लाइसरॉल में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा न्यूट्रिशन किस चीज़ में ब्रोक होता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे विथ पैनक्रियास। तो हम इसमें पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने पैनक्रियास का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है, टेल, बॉडी, हेड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये आपका ड्यूडेनम की ओपनिंग, ड्यूडेनम पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग ड्यूडेनम में हो रही है। आप देख सकते हैं इंटेस्टाइन ड्यूडेनम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो गॉल ब्लैडर एंड उसके अबव क्या है, लिवर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो पैनक्रियास की टेल है वो स्प्लीन के कर्व में फिटेड है, ठीक है, और यहाँ पे सिक्सटिक डक्ट आपको दिख रही होगी जो गॉल ब्लैडर ड्यूडेनम में ओपन हो रही है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, और नीचे ये जिजेनम की ओपनिंग हो चुकी है, ड्यूडेनम एंड हो चुका है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आ जाएगा,
तो पेनक्रियास पेल ग्रे ग्लैंड है, ठीक है, ग्रे कलर का, पेल ग्रे कलर का इसका कलर होता है और ये 60 ग्राम का होता है। ये 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और हमारी एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, इसमें मैं ना आपको रीजंस इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज़ आपको पता है कि हमारे 9 रीजंस हैं और कहाँ पे कौन सा ऑर्गन फिट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये एक ब्रॉड हेड कंटेन करता है, एक बॉडी और एक टेल, ठीक है। ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, हेड बॉडी टेल, इसमें आपको लोब्यूल्स दिख रहे होंगे और जो बीच में से एक ब्रांचेस करके जा रहा है, ये ब्रांचेस क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट है। और जहाँ पे बाइल मतलब गॉल ब्लैडर की जो वेन आ रही है, वेन गॉल ब्लैडर की जो ट्यूब कनेक्ट हो रही है वहाँ पे, उसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे पैनक्रियाज हो रहा है कनेक्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। हम इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पैनक्रियाज को डिस्कस करेंगे। तो जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है वो लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल से बना हुआ है, ठीक है, और इसमें इसकी जो वॉल है इसमें बहुत सारी सीक्रेटरी सेल्स हैं जो पैनक्रियाटिक डक्ट की तरह वर्क करती हैं और ड्यूडेनम में ओपन होती हैं। ओके, जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है उसका फंक्शन क्या है, पैनक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करना, एंजाइम को सीक्रेट करना, और वो एंजाइम जो इनएक्टिव प्रेशर्स के फॉर्म में होते हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में और डाइजेशन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे स्पेशल सेल से बना हुआ होता है जिनको हम पैनक्रियाटिक आइसलेट्स बोलते हैं। ये आइसलेट्स के पास कोई डक्ट नहीं होते हैं, ये डक्टलेस होते हैं, ठीक है, और ये जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट ब्लड में प्रोड्यूस करते हैं। वो ड्यूडेनम में क्या कर रहा था, रिलीज़ कर रहा था पैनक्रियाटिक जूसेस, लेकिन इनके पास डक्ट नहीं होती इसलिए ये डायरेक्टली ब्लड में क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को डिफ्यूज़ करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकाजोन, ठीक है, जो बेसिकली हमारे ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक आपके सामने एक क्लिप है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी एक्सोक्राइन है वो तो ड्यूडेनम में क्या कर रही है, अपने डक्ट्स ओपन कर रही है, लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन है वो डक्टलेस है, तो वो इन हेल्प से डायरेक्ट ब्लड में क्या करती है, अपने दोनों हार्मोन्स को, इंसुलिन और ग्लाइकोजन को क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करती है, डिफ्यूज करती है। तो ये वो सेल है, आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दी पेनक्रियाटिस जूस। पेनक्रियाटिस जूस क्या है, कहाँ से सीक्रेट होता है और क्या क्या कंटेंट करता है? आपको पता है एक्सोक्राइन हमारा पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, तो इसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं लाइपेज, न्यूक्लेज, एमालाइज, एमाइलाइज, और उसके बाद इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज क्या है, यही फंक्शन है कि वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लिवर। लिवर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लिवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी में। इसका वेट 1 to 2.3 kg होता है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में क्या करता है, सिचुएटेड करता है। ये कौन से रीज़न में सिचुएट करता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट हम इसकी एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। ये आप देखिए, एक छोटा सा लिवर का डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर जस्ट लिवर के पोस्टीरियर पार्ट में है। नेक्स्ट, सुपीरियर एंड एंटीरियर दोनों जगह सेम ऑर्गन है, डाइफार्म एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट, इन्फीरियर में हमारा क्या आ जाता है, स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, राइट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। पोस्टीरियर में हमारा ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, इन्फीरियर वेना कावा, आयोटा, वर्टिबल कॉलम एंड डाइफाम। लेटरली हमारा क्या है, लोअर लिप्स एंड डाइफाम। तो ये हम एक पिक्चर में आपको पूरी एनाटॉमी एक अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो लिवर है वो 4 लोब्स कंसिस्ट करता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड कैडुकेट लोब।
जो राइट एंड लेफ्ट लोब होता है वो हम सामने से एंटीरियर व्यू में देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा कैटेडुएट और क्वाड्रेट लोब होता है वो हमें पोस्टीरियर सरफेस से दिखता है। ठीक है, तो कभी अगर आप एंटीरियर पिक्चर देखेंगे लिवर की, तो सिर्फ आपको राइट एंड लेफ्ट लोब दिखाई देगा। ठीक है, इन्फीरियर वेनोकोवा ग्लॉल बैडर दिखाई देगा एंटीरियर में, और फैली फॉर्म लिगामेंट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बैक तरीके से इस तरीके से देखेंगे तो आपको कॉमन हेपेटिक डक, हेपेटिक पोट्रल वेन सारी चीज़ें दिखाई देंगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें फोर लोब्स हैं। ठीक है, लोब्स ऑफ द लिवर आर मेड ऑफ टिनी फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, उन्हें लोब्यूल्स बोलते हैं। जो हमारे लोब हैं वो छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स से बने हुए हैं जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, और वो जस्ट विजिबल होते हैं नेकेड आई से। जो लिवर लोब्यूल्स हैं वो हेक्सागोनल शेप्स की होती हैं। ठीक है, और हेपेटोसाइट सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, और अरेंज होती है हमेशा किस में, पेयर में, और उन पेयर्स को हम क्या करते हैं, रेडिएटेड कहाँ से होती है, वो सेंट्रल वेन से रेडिएटेड होती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी फंक्शंस ऑफ लिवर। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कफर सेल्स होते हैं। ठीक है, कफर सेल तो ये क्या करते हैं, फाइगोसाइटोटिक हेपेटिक मैक्रोफेज, जैसे हमें कफर सेल भी बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देता है RBCs का, रेड ब्लड सेल्स को, और स्प्लीन में क्या करता है, टेक प्लेस करता है, स्प्लीन में भेज देता है, और वापस बोन मैरो से हमारा RBC का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। अब हम अगर अल्कोहल ले रहे हैं या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी ओरली हम कोई ड्रग ले रहे हैं, उससे जो भी हमारे कह सकते हैं एक तरीके से बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं, उनको ये हटाएगा, उनको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, इन सबको क्या करते हैं, इनएक्ट, सेक्स हार्मोन्स, थायराइड, इन सारे हार्मोन्स को क्या करते हैं, इनएक्टिवेशन में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, मेन एक से हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करता है हेपेटोसाइट सिंथेसिस के थ्रू, हमारा बाइल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, ये कुछ स्टोरेज करता है जैसे ग्लाइकोजेंस का, या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन है ADEK, इन सब का क्या करता है, स्टोरेज करता है। आयरन एंड कॉपर का भी स्टोरेज करता है, कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे B12 का भी क्या करता है, स्टोरेज करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसी फंक्शन ऑफ द लिवर के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूँगी, और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये तीनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू लेट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक।